हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सीलदर में मनरेगा मजदूरों का जोरदार विरोध प्रदर्शन। सीलदर ग्राम पंचायत परिसर में सोमवार को मनरेगा मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं मिलने पर मनरेगा श्रमिकों ने ग्राम पंचायत के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मजदूरों का आरोप है कि रामपुरा गांव में चल रहे उदानाड़ी में मनरेगा कार्य को पूरा किया गया, फिर भी मजदूरी कम मिल रही है। ग्राम पंचायत द्वारा रोजगार गारंटी योजना के तहत रामपुरा गांव में नाड़ी खुदाई का कार्य मजदूरों द्वारा किया गया, जिसमें मजदूरों को पहले सप्ताह में 190 रुपए, दूसरे सप्ताह में 180 रुपए मजदूरी मिली, लेकिन तीसरे सप्ताह में मजदूरों को 80 से 100 रुपए प्रति दिन के हिसाब से भुगतान किया गया है। कम मजदूरी भुगतान को लेकर मजदूरों ने पहले सरपंच सचिव से बात करने की कोशिश की, पर संतोषजनक जवाब न मिलने से नाराज पुरुष व महिला मजदूरों ने ग्राम पंचायत में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जो करीब 2 घंटे तक जारी रहा और सरपंच को ग्राम पंचायत बुलाने की मांग पर अड़े रहे। मजदूरों का कहना है कि एक तरफ सरकार पलायन पर अंकुश लगाने व लॉकडाउन से प्रभावित प्रवासी मजदूरों व स्थानीय मजदूरों को गाँव में रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन की मजदूरी देने की बात कहती है, लेकिन ये दावे मनमानी की पोल खोल रहे हैं। मनरेगा मजदूरों को 202 रुपए प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी देने का प्रावधान भी बनाया है। मनरेगा में काम कर रहे मजदूरों को 80 से 100 रुपए के हिसाब से भुगतान किया जाना सरकारी दावों की पोल खोल रहे हैं। जागरूक टीवी के लिए सीलदर से खास रिपोर्ट।